तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज है गाइस संडे और हम थोड़ा निकले हैं राइड करने। और गाइस ये रास्ता कितना ज्यादा खाली हो रखा है और भाई सारे शोरूम जो है आज बंद हो रखे। रास्ता जो है पहले बिल्कुल ही साफ है यार, कोई ज्यादा गाड़ी मोटर नहीं। टाइम हो रहा है अभी 7:30 बजे का, ठंड भी गाइस काफी ज्यादा हो रखी है। तो आज की इस वीडियो में गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि गाइस ठंड तो एकदम है पर कोहरा जो है बिल्कुल भी नहीं है रोड पर। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों का सीजन हो रखा है, जिस टाइम गर्मियों में जब ऐसा सुबह सुबह होता है ना वैसा था। और आज तो गाइस काफी ज्यादा जो है मजा आ रहा है यार मुझे राइड करके। चलिए गाइस बता देता हूँ मैं कि इस वीडियो में क्या हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ मेरा फर्स्ट एक्शन कैमरा के बारे में, जो कि मैंने परचेज किया था जब मैंने मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सोचा था। पर वो गाइस ऐसा एक्शन कैमरा निकला यार जिस वजह में जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो थोड़ा सा दिक्कत आया, जो कि मैं अभी वीडियो में आप सभी से डिस्कस करूंगा कि मैंने क्यों उसको जो है हटा के मैंने दूसरा एक्शन कैमरा लिया। तो अभी गाइस सामने गुरुद्वारा साहब, जय श्री वाहेगुरु बाबा जी की, रेड लाइट भी है। अभी मैं आप सभी को होमलैंड टावर भी दिखाऊंगा, जो कि भाई यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है यार होमलैंड टावर का। हो गई है ग्रीन और गाइस ये देखो होमलैंड टावर, बहुत मस्त होमलैंड टावर है गाइस। ये देखिए यहाँ से ऐसा दिखता है। एंड ये वाला रास्ता गाइस खरड़ को चले जाता है, जाता तो ये वाला भी खरड़ है पर ये लांडरा को होकर जाता है। तो अभी हम मार्केट के बीच में और ये खड़ी खरड़ वाली बस। तो मार्केट भी आज सुबह सुबह काफी ज्यादा खाली हो रखी है, बिल्कुल भी रश नहीं है यार। देख रहे हो क्या मस्त फीलिंग आ रही है यार। सुबह सुबह राइड करने वाला यही सबसे ज्यादा फायदा होता है कि आपको रोड पर रश बिल्कुल नहीं मिलता। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो अभी बताता हूँ गाइस मैंने पहला एक्शन कैमरा कौन सा लिया था। तो गाइस पहला एक्शन कैमरा मैंने लिया था एसजे कैम का ही था, जो कि 4000 एयर था, जो कि वाईफाई से भी कनेक्ट होता था। तो गाइस कुछ टाइम तक तो मैंने इससे व्लॉगिंग करी है पर इसमें गाइस वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ सकती यार, ना मात्र है समझ लो। इसमें जो है इंटरनल माइक भी नहीं है, है भी शायद इसमें शायद इंटरनल माइक है पर उससे जो है गाइस आवाज बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड हो सकती यार। और रिकॉर्ड भी होती है तो गाइस एक बार मैंने जो है सुना भी था उसको रिकॉर्ड करके, बहुत ही धीरे, मतलब बिल्कुल समझ लो अब उसमें ऑडियो बिल्कुल भी नहीं होती यार, सीधी सीधी सी बात है ना। तो आप लोगों को पता है इस मोटर व्लॉगिंग के लिए जो है आवाज का होना कितना ज्यादा जो है जरूरी है, बिना आवाज की गाइस मोटर व्लॉगिंग अधूरी है। तो जिस वजह से गाइस मुझे स्विच करना पड़ा एसजे कैम मेरे SJ6 लेजेंड पे। अब मैं गाइस बता देता हूँ कि मैंने जो कितने में SJ4000 परचेज किया था। तो गाइस मैंने उसको एटलीस्ट कम से कम 4500 की 5000 के बीच में जो है परचेज किया था, क्योंकि उसको परचेज किए मुझे 2 साल हो गए। और जब मैंने लिया था गाइस तो काफी अच्छे से गाइस मैं उस पर वीडियोज बनाता था बस, पर अब मैंने उसको खाली रखा है सिनेमेटिक शॉर्ट्स के लिए। थोड़ी देर में गाइस मैं आप सभी को उसकी फोटेज भी दिखाऊंगा किस तरह की फोटेज आती है एंड कंपेयर भी करेंगे जो है SJ6 लेजेंड से एंड SJ4000 एयर से। तो भाई साहब सूरज जो है उग चुका और कितना ही मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से। देखो वो देखो सूरज एकदम लाल लाल सा हो रखा है, बहुत ही गजब यार। यहाँ पे देखो बड़ी वाली बिल्डिंग है, जो कि मैं अक्सर गाइस वीडियो यहीं पर ही शूट करता हूँ इसके बैक साइड वाली रोड पर, क्योंकि वो थोड़ा सा खाली एरिया है और वहाँ पे थोड़ा सा जो है कार्स बाइक मोटर वगैरह थोड़ा कम आते जाते हैं, जिस वजह से शोर जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो गाइस अभी उतना हमारे पास बजट नहीं है ना गाइस कि मोटर व्लॉगिंग के लिए बेस्ट माइक ले लें जो नॉइस कैंसलिंग हो, क्योंकि बहुत महंगे महंगे आते हैं। तो अगर गाइस आप सभी का सपोर्ट रहा तो एक दिन जरूर हम लोग लेंगे। तो अभी तो गाइस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ SJ6 लेजेंड है, जो कि जिसका प्राइस आप सभी को पता है और मैंने वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर डेडिकेटेड। तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाकर प्लीज देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे गाइस पहले जो है काफी सारा खेती खेत हुआ करता था, ये तो बिल्डिंग अभी हाल ही में बन गई है। यहाँ पे मैं जो है साइकिल से आया करता था, क्योंकि जब मुझे गांव की याद आती थी तो यार यहाँ पे खेत वगैरह है तो थोड़ा सा मन जो है ठीक हो जाया करता था ना। और रास्ता देखो कितना सही है। तो मैं बात कर रहा था गाइस अपने 4000 के बारे में, जो कि मेरा पहला एक्शन कैमरा था। तो उसका कुछ डिसएडवांटेज गाइस ये था यार, उसकी बैटरी जो है बैकअप बिल्कुल भी नहीं था यार, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं चलती थी। और क्या है उससे रिकॉर्ड करे यार, सिनेमैटिक शॉट कितने जो है ले जाए बस। मैं सिनेमैटिक शॉट जो लेता था वो तो वीडियोस मैंने डिलीट भी कर दी ना मैंने यार। ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना शरीर पे यार, बहुत मजा आ रहा है यार।
ऐसा पूरा ना माइंड सा जो है फ्रेश होगा, पूरा शरीर ऐसा लग रहा है ना सुस्ती पूरी दूर होगी सुबह की। लोग भाई सुबह उठ के ब्रश व्रश करके आए, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे उठ के चले आए हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो अभी मैं गाइस आप सभी को रुक के कहीं पर दिखा देता हूँ अपने एस जे कैम 4000 एयर। तो अक्सर गाइस मैं वीडियोस यहीं पर ही शूट करता हूँ, तो इस वाले रोड पर करता हूँ जिसमें से मैं आया हूँ, या तो मैं इस वाले रोड पर करता हूँ। मैंने जो स्पीड टेस्ट की वीडियो भी करी थी वो भी इसी वाले रोड पर करी थी। तो गाइस पहले मैं आप सभी को सूरज का व्यू दिखा देता हूँ। गाइस जो यार क्या गजब हो रहा है ना, एकदम मस्त। दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितना मस्त है, क्या खिला हुआ है ना प्यारा सा। यहीं पर रुक के गाइस मैं आप सभी को पहले दिखा देता हूँ अपना SJ 4000 एयर जो कि किस तरह सा है। तो ये है गाइस वो कैमरा SJ 4000 एयर जो कि काफी ज्यादा पुराना हो गया क्योंकि मुझे परचेज किए 2 साल हो गए। तो वैसे ही जो है कंटेनर में आता है जैसे सारे एक्शन कैम आते हैं, GoPro तो भाई अलग लेवल में आता है। खोल के दिखा देता हूँ मैं, रनिंग कंडीशन में ऐसा नहीं है गाइस। इस पर से गाइस देखिए मैंने अभी तक ये वाली बैजिंग भी नहीं, ये वाला जो प्लास्टिक कहते हैं इसको प्लास्टिक भी नहीं उतारा हुआ है। एक्शन कैमरा गाइस काफी सही है ये भी भाई। यार ये व्यू मुझे बहुत प्यारा लग रहा है सूरज भगवान का, क्या ही मस्त व्यू है यार। एंड गाइस ये देखिए मैंने अभी तक इसको उतारा भी नहीं था क्योंकि काफी कम जो है मैंने इसको इस्तेमाल किया। ऑन करके दिखा देता हूँ गाइस आपको, यहाँ पे ओके का बटन मिल जाता है, यहाँ पावर का बटन मिल जाता है सामने, एंड यहाँ अपसाइड डाउन गाइस सेटिंग्स के बटन मिलते हैं आपको। तो पावर ऑन करके दिखा देता हूँ मैं अपने का कैमरे का। तो गाइस पावर ऑन हो गया हमारे SJ 4000 एयर है। यहाँ पर देखिए 4K वाईफाई एस जे कैम की ही ब्रांडिंग लगी हुई है। तो अभी इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है तो गाइस इसलिए दिखा रहा है। तो व्यू देखो गाइस किस तरह से आ रहा है अपने एस जे कैम में। क्वालिटी वाइज गाइस इसका व्यू जो क्वालिटी है काफी अच्छा है यार, ऐसा नहीं है कि बेकार है। बस इसमें गाइस एक ही दिक्कत है कि ऑडियो नहीं आ सकती। अभी मैं गाइस इसमें मेमोरी कार्ड डालूंगा और आपको इसका जो है वीडियो भी दिखा दूंगा कैसा ऐसा वीडियो आता है। अभी गाइस जो आप सो लोग व्यू देख रहे हैं गाइस ये वाला व्यू जो है SJ 4000 से है, तो कमेंट कर बताइए कि कैसा जो है व्यू आ रहा है। तो अभी आप लोग गाइस बताइए कि राइडिंग करते वक्त किस तरह से इसका जायरो स्टेबलाइजेशन, वैसे नहीं आता इसमें पर फिर भी स्टेबलाइजेशन देखिए कैसा है इसका SJ 4000 एयर से जो है ये वीडियो शूट हो रही है। तो हाँ जी गाइस आपने भी देखा राइडिंग करते समय एंड कुछ सिनेमेटिक शॉट्स जो है SJ 4000 के, तो कैसे लगी आपको इसकी फोटेज क्वालिटी गाइस? फोटेज क्वालिटी मेरे हिसाब से गाइस A1 है, 4500 में ऐसी फोटेज क्वालिटी कोई भी कैमरा जल्दी देता नहीं है गाइस। तो आपको कैसा लगा ये कैमरा एंड इसकी फोटेज क्वालिटी कैसी लगी? तो अगर इसको आप लोगों ने बाय करना है तो गाइस आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं ठीक है। और इसको कंपेयर करें गाइस अगर SJ 6 लेजेंड से, तो गाइस SJ 6 लेजेंड तो गाइस लेजेंड है क्योंकि गाइस वो इतने कम प्राइस में आता है ना जो कि वो GoPro को टक्कर देता है। बस थोड़ी सी आवाज क्वालिटी गाइस थोड़ी सी लो है, डिसेंट है पर इतना चलता है जो बिगिनर्स अगर यूज करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं फोटो व्लॉगिंग। तो अब तो ये थी गाइस एक छोटी सी वीडियो मेरे SJ 4000 एयर के बारे में जो कि मैंने सबसे पहले परचेज किया था। तो परचेज किया तभी मुझे पता लगा था गाइस एक्शन कैमरा क्या होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लग गई हो तो गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय टाटा टेक केयर गाइस एंड राइड सेफ।